बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भागवत के हिंदू एकजुटता वाले बयान पर। ओवैसी का बयान सामने आया, भारत में हिंदुओं मुसलमानों को भागवत और मोदी से खतरा बताया ओवैसी ने। शमसुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है और एक बार फिर से हमला करते हुए कहा है कि भारत के हिंदुओं मुसलमानों को भागवत और मोदी से खतरा है। लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते रहे हैं और चुनाव हो ना हो उनकी तरफ से हर मुद्दे को लेकर बयानबाजी लगातार सामने आती रही है। इन सब के बीच अब भागवत के हिंदू एकजुटता वाले बयान पर भी उन्होंने ये बड़ा बयान दे डाला है और हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि भारत के न सिर्फ हिंदुओं बल्कि मुसलमानों को भी भागवत और मोदी से खतरा है। 10 साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है, वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।